कृषक कार्मिक जनगण से था उसको प्यार अपार, अखिल देश ने उसे रहनुमा किया था स्वीकार। गांधी बापू का शिष्य, सत्य अहिंसा का अवतार, किंतु एक भारत करने को धर लेता हथियार। लौह पुरुष संबोधन था वो लोहे की दीवार, तेज पुंज तुम शक्ति पीठ तुम, बल का सागर अपरंपार, ऋणी देश का नम्र नमन तुम स्वीकारो। के साथ ही जेल में 2 सालों के लिए डाल दिया गया।
से छूटते ही सरदार को कांग्रेस के नए राष्ट्र अध्यक्ष पद पर चुना गया और उनकी सरपरस्ती में राष्ट्रवादी भारतीयों ने तमाम ब्रिटिश सूबों में जीत हासिल कर वहां अपनी स्थानिक सरकारें बनाई। किंतु सरदार का सपना केवल सरकार बनाना नहीं था, उनका स्वप्न तो था एक ऐसे नए भारत का जहां हर रंग, हर रूप, हर जात, मजहब, तबके का हिंदुस्तानी एक साथ मिलकर एक ऐसा नया भारत बना सके जहां पूर्ण स्वराज के साथ सारे समाज को गरीबी, अशिक्षा, छुआछूत से भी आजादी मिल जाए। इसकी पहली रणनीति थी भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी, ताकि भारत के लोगों की अपनी सरकार सबके साथ और सबके विकास के लिए काम कर सके। बापू की अगुवाई में अब देश ने अंग्रेजों को अंतिम चेतावनी दे दी, करेंगे या मरेंगे, मिटेंगे अंग्रेजों, भारत छोड़ो। बस फिर क्या था, संघर्ष की रणभेरी बजी। 3 सालों के लिए सरदार पटेल को भी सत्याग्रही नेताओं के साथ जेल में ठूंस दिया गया। 2 सालों के बाद अंग्रेजों को बापू के सभी शिष्यों और साथियों को छोड़ना पड़ा।
600 फीट का कंक्रीट का कोर बनाया गया। भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने के सपने को पूरा करने के लिए
सबको एकजुट होने के लिए एक आंदोलन है। भारत को सबसे आगे ले जाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए आपके योगदान और विश्वास से ही बनेगा एक भारत श्रेष्ठ भारत। एकता का संदेश, एकता का संदेश है for the national anthem. Yeah.